नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ समझते होंगे अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको टमाटर की दो डिंचिंग के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही आवश्यक है यदि आप टमाटर की फसल लेते हैं तो। दोस्तों हमारे एरिया पर पिछले 5 से 6 दिनों पर रेगुलर बारिश जारी है, यानी कि 1 घंटे भी पानी बंद नहीं रह रहा है। काफ़ी लंबी बारिश चल रही है इस बार, और इस समय पर हम देखते हैं कि जड़ गलन संबंधी काफ़ी समस्याएँ हमें देखने को मिलती हैं, और अर्ली ब्लाइट भी इसी समय काफ़ी अटैक करती है टमाटर की फसल पर। तो जब भी आप रोपाई करते हैं टमाटर की फसल पर, तो उसके बाद हमें 2 डिंचिंग कम से कम देनी पड़ती है, क्योंकि पौधा उस समय पर ना तो पत्तियों से खाना बना पाता है और ना ही जड़ उतनी विकसित होती है उसकी कि वो आप जो वाटर सॉल्युबल या जो आपने बेसल डोज डाली हुई हैं उनको ले पाए। इसलिए हमें जो है अपने तरीके से कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे पौधे को आसानी हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट संबंधी लेने में हो और चाहे फिर दवाइयाँ ग्रहण करने में हो या सुरक्षा संबंधी हो। ठीक है, तो आज हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि हमें जो 2 इंचिंग है टमाटर में कौन सी लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे फायदा यह होगा कि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाएंगे, जानकारी आपको दे पाएंगे। और यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी निराशा होती है और फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, मन नहीं लग पाता काम में। इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से हमें ना पैसे मिलते हैं ना आपको पैसे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें जो है प्रोत्साहन उसमें मिल सके। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रिंचिंग उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो ड्रिंचिंग है उसमें सबसे पहले हम लेंगे रेटोमिल गोल्ड, जिसमें कि मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सी होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड और एक होता है सिस्टमेटिक फंगीसाइड। तो इसके लेने से फ़ायदा ये होगा आपका कि एक तो जड़ों के माध्यम से भी आप उसको सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे फंगीसाइड संबंधी। दूसरा ये कि जो मैनकोजेब है, जो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है हमारा, वो जो जड़ संबंधी जितने भी रोग हैं यानी मिट्टी पर उपस्थित जो फंगस है उनको समाप्त करेगा, इसलिए हम रेडोमिल की मात्रा उस पर लेंगे। दूसरा हम लेंगे होमिक एसिड ताकि जड़ों की ग्रोथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। जड़ जब तक ग्रोथ नहीं ले पाएंगे तब तक हमारा पौधा जो है स्वस्थ नहीं हो पाएगा और न्यूट्रन भी नहीं ले पाएगा, इसलिए हम होमिक एसिड की मात्रा लेंगे। दूसरा हम लेंगे 1919 ताकि पौधा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए उसे NPK तीनों मात्रा बराबर बराबर देंगे हम। तो 1919 की मात्रा हम इसमें लेंगे और साथ में हम लेंगे क्लोरो, ठीक है, क्लोरोपाइरीफास की जो मात्रा है वो भी हम लेंगे ताकि जो इंसेक्ट डायरेक्ट जो हमला करते हैं पौधे पर यानी कि कॉन्टैक्ट रूप से उनको हम जो है दूर कर सकें। क्लोरोपाइरीफास एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जिससे कि डायरेक्ट कीटों के संपर्क में इससे आने से वह जो है वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों हम इसकी मात्रा भी जान लेते हैं। तो मात्रा जो है हम इसमें जो रेडोमिल की मात्रा है वो हम लेंगे 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके बाद हम लेंगे होमिक एसिड 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 1919 की जो मात्रा है वो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से लेंगे, वहीं क्लोरो की जो मात्रा है 500 ml लेंगे पर एकड़ के हिसाब से। अब ये जो मात्रा है आप कहेंगे कि हम पंप में कैसे करें, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मात्रा मैंने आपको बताई है ये एकड़ पर बताई है, ठीक है। अब एकड़ पे आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है, तो आप एक हिसाब किताब लगा लें। आपकी जो लाइनें हैं, जैसे एक लाइन है आपकी, मान लो आप पहले डाल के देख लें कि आप जो पानी की मात्रा दे रहे हैं उस पर कितनी दवाइयाँ आपको लग रही हैं, उसके हिसाब से आप दवाई को मैनेज करें। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं दूसरे हमारे ड्रिंचिंग के बारे में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिंचिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। देखो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारियाँ होंगी, लेकिन सीखना ही ज़िंदगी का नाम है, इसलिए आप सीखते रहें चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बातें आपको पता ना हो, या मैं जो बता रहा हूँ आपको पता हो। यदि किसी बच्चे से भी हमें ज्ञान मिलता है तो हमको वो ज़रूर लेना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ पाते हैं और हमारे काम को जो है सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसलिए बिंदु को जो है कभी भी आप देखें तो स्किप उसको ना करें, ठीक है, स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिल जाती है, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं कि हमें COC कितनी डालनी है, ये कितनी डालनी है, वो कितनी डालनी है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल पाएगी। ये आपको करनी है 10वें दिन पर, ठीक है। 10 दिनों तक आपको कोई भी ड्रिंचिंग करनी है, सिर्फ एक स्प्रे आपको पहले लेना है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। इसके बाद जो है आपको 10वें दिन पर एक ड्रिंचिंग लेनी है, ये वाली जो भी बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद जो सेकेंड ड्रिंचिंग होगी वो सेकेंड ड्रिंचिंग होगी हमारे 16 दिन में, ठीक है, 16वें दिन में, यानी कि ये जो ड्रिंचिंग है इसके 5 दिनों के बाद आपको एक ड्रिंचिंग लेनी है जो कि 15 से 16 के दिनों के बाद रोपाई के आपको लेनी पड़ेगी। COC की जो मात्रा है 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे। तो इसके बाद हम थायमेथॉक्सम की जो मात्रा है वो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे, और ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनी है उसका लें आप, जैसे सिंजेंटा कंपनी से, एक्ट्रा के नाम से भी आता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है दूसरी कंपनियों से। इसके बाद जो है फिर इसमें हम 1919 की मात्रा लेंगे। तो 1919 की जो मात्रा है वही मात्रा लेंगे हम 1 kg पर एकड़ के हिसाब से।
अब हम बढ़ते हैं हमारी विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो एक तो बनता है, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अभी बहुत बारिश हो रही है, इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूं, समय की कमी है, फिर इसके बाद मैं आपको वीडियो एक ला के दे रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। और यदि आपको अन्य किसान भाई को शेयर करना है तो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए। इस बात में आपको कुछ सावधानियां हैं जो कि ड्रेंजिंग संबंधी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली जो सावधानी वो ये है कि मानी की मात्रा जो सुनिश्चित करें आप, ठीक है, आपको कितना पानी लग रहा है उस हिसाब से सुनिश्चित करें, इसके साथ दवाई को घोल बनाएं आप, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी सावधानी ये है कि बारिश रुकने का इंतज़ार करें। पानी अगर ज़्यादा गिर रहा है, बारिश ज़्यादा गिर रही है, तो आप लिंचिंग ना करें, नहीं तो क्या होगा, ड्रेनेज हो जाएगा आपका, ठीक है, लिंचिंग हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, तो इसको आप सुनिश्चित करें। दूसरा ये कि पौधों पर दवाई ना पड़े, इसमें थोड़ा सा हार्डली होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आप ध्यान दें कि जो हम ड्रेनेजिंग दे रहे हैं वो सिर्फ जड़ों पर जाए, ठीक है, जड़ों पर जानी चाहिए ना कि पत्तियों पर, तो ये आपको सावधानी बरतनी है। चौथा ये कि जब भी आप स्प्रे ले रहे हैं, मान लीजिए आपने आज स्प्रे लिए, तो ड्रेनेजिंग कम से कम 3 दिन के बाद करें, ये नहीं कि आज भी ड्रेनेजिंग कर ली हमने और आज ही हमने स्प्रे कर लिया, तो ये आपको नहीं करना, नहीं तो पौधा जो है आपका तनाव में आ जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कि भैया ये तो हमने ड्रेनेजिंग करी थी और इसके बाद जो है पौधा तनाव में आ गया है, स्टेज में आ गया है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और टमाटर संबंधी या अन्य फसल संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी किसान भाई बहुत अलग अलग राज्यों से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं और अपनी राय अपने सलाह मशवरा देते हैं। वो देखिए दोस्तों, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप जो है किसी भी काम को अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसमें पा सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं, दूसरों के विचार जान भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।